चलिए आज हम बात करते हैं बुद्धिज्म की। तो बुद्धिज्म जो धर्म है उसकी शुरुआत जो है गौतम बुद्ध ने करी थी। तो बुद्धिज्म के जो फाउंडर हैं वो हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 1563 BC में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल, आज के नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। आप गौतम बुद्ध को दो नाम और मिलते हैं, शाक्यमुनि और तथागत। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 BC में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और उनका बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। उनके जो पिता थे, फादर, उनके पिता जो थे उनका नाम था सुधो धन, सुदोधन। वो एक शाक रूलर थे। उनकी माता उनका नाम था महा माया। उनकी जो सौतेली माँ थी जिन्होंने उनका लालन पोषण किया था, स्टेप मदर, उनका नाम था प्रजापति गौतम। उन्हीं के नाम के बाद आगे चल के जो है गौतम बुद्ध जो है उनका नाम रखा गया था। उनकी वाइफ, उनका नाम यशो धरा। उनकी वाइफ, उनका नाम था यशोधरा और उनके बेटे का नाम राहुल। सिद्धार्थ के ब्रदर का नाम था देवधर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लोग थे जो उनके जीवन का हिस्सा रहे। उनके फादर सुदोधन जो कि एक शाक रूलर थे, उनकी माता महामाया, उनकी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी, उनकी वाइफ यशोधरा, उनका बेटा राहुल और उनका देवदर। अब उन्होंने उन्होंने 24 साल की उम्र में अपना ग्रह त्याग कर दिया था, जिसे इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं रेन्यूनिकेशन। रेन्यूनिकेशन मतलब ग्रह त्याग। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो 24 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, अपना राजपाट, क्योंकि वो शाक रूलर के पुत्र थे तो वो वहाँ के आगा आने वाले राजा बन सकते थे, राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ के ग्रह त्याग किया 24 साल की उम्र में। उनके जो फर्स्ट टीचर जो थे उनके, वो थे अलर कला, जिन्होंने उन्हें योग सिखाया। तो 24 साल की ग्रह त्याग करने के बाद उनके जो पहले टीचर अलर काम थे, उन्होंने योग सिखाया। इसके बाद बात करते हैं जब उन्हें 35 की एज पे पहुँचे तो उन्हें पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ ज्ञान की प्राप्ति हुई? एनलाइटमेंट। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ हुई? तो वो जगह थी बिहार का बोधगया। कौन से पेड़ के नीचे हुई? तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई, जिसे बोधि ट्री के नाम से हम सब जानते हैं। और ये बोधगया की रिवर कौन सी थी वहाँ पे? तो वहाँ जो रिवर बहती है उसका नाम था निरंजना।
जो कि आज की फल्गु नदी है बिहार में, बिहार के बोधगया में। फल्गु नदी जो है पुराने ज़माने में निरंजना नदी थी, तो वहीं बोधगया के पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको अपना देह त्याग दिया उन्होंने, मतलब उनकी मृत्यु हुई 483 BC में। इस समय तक उनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी, और जहाँ उन्होंने प्राण त्यागे वो आज के यूपी के कुशीनगर में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो एक छोटी सी चीज़ है कि हमारे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर जो थे महावीर, वो इन्हीं के समकालीन थे। उनका जन्म जो है 540 BC में हुआ था, और गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो आपको 563 BC में हुआ था। तो जो हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर और बुद्धदेव, गौतम बुद्ध, वो दोनों ही समकालीन थे, मतलब एक ही समय के थे। अब बात करते हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश, जो फर्स्ट सरमन बोलते हैं इसे, वो कहाँ दिया? तो वो दिया उन्होंने सारनाथ। उन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया। अब बुद्धिज्म के कुछ प्रिंसिपल हैं, तो क्या गोल मान लेते हैं, तो उनका सबसे मेन गोल क्या है उसे उन्होंने कहा निर्वाण। जो मेन गोल है बुद्धिज्म का वो है निर्वाण। निर्वाण मतलब हो गया मोक्ष। तो ये जो मोक्ष है, निर्वाण जो है, यही इनका अल्टीमेट गोल है। और हम अगर जैनिज्म की बात करते हैं, तो जैनिज्म में इसी मोक्ष को कैवल्य कहा गया है। जहाँ जैनिज्म में से कैवल्य बोला गया है, वहीं बौद्धिज्म में से निर्वाण बोला गया है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध जो हैं, उन्होंने एक उपदेश दिया और उन्होंने उसमें कहा डिजायर इज दी रूट कॉज ऑफ सोरो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इच्छा ही हमारे दुख का कारण होती है। हम जितनी ज़्यादा इच्छाएँ रखेंगे उतना ही ज़्यादा हम दुख इस जीवन में भोगेंगे। जो है ये डिज़ायर ऑफ द डिज़ायर जो है वो रूट कॉज है हमारे दुख का, ये हमारे गौतम बुद्ध ने कही। इसके अलावा उन्होंने 8 मार्ग दिए, जैसे अष्टांगिका मार्ग बोला जाता है। उन्होंने 8 रास्ते बताए। अगर मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, उन्होंने 8 पाथ बताए। 8 जिसे उन्होंने कहा अष्टांगिका में पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है राइट तीसरा है राइट स्पीच, चौथा है राइट एक्शन, पांचवा है राइट लाइवलीहुड, छठा है राइट
एफर्ट। सेवंथ है राइट माइंडफुलनेस। एट्थ है राइट कंसंट्रेशन। तो ये आठ पार्ट जो है उन्होंने दिए थे, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। ये इन्होंने आठ मार्क दिए थे, जिसे हम कहते हैं सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक जीविका, सम्यक समाधि और सम्यक प्रयास और सम्यक स्मृति। इन आठ के बाद कुछ चीज़ें हैं जो बुद्ध लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो सिंबल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बुद्ध के जीवन में जो है बर्थ जन्म है, और जन्म को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज किया जाता है लोटस या फिर बुल का। दूसरा है गृह त्याग का, उन्होंने रेनिफिकेशन किया था, गृह त्याग किया था, इसे बोला गया है महा विनिक्रम। महाविनिष्क्रामणा, और इसके लिए उन्होंने सिंबल यूज किया है हॉर्स घोड़े का। तीसरा है निर्वाण, जिसे एनलाइटमेंट है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने यूज किया है बौद्ध ट्री को, क्योंकि उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो 35 साल की उम्र में बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, और उस बौद्ध ट्री को ही सिंबल यूज किया गया। फिर आता है उनका पहला शर्मन, पहला उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और इसके लिए सिंबल जो है वो नाम से पता चल गया आपको, चक्र। तो धर्म के लिए हम पहिए को यूज करते हैं, धर्म चक्र जो है वो है वीर। इसके बाद जो लास्ट है वो है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण जिसे मोक्ष कहा गया है डेथ के लिए, और उसके लिए है स्तूप। तो ये पांच चीज़ें हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं। जन्म के लिए बर्थ के लिए लोटस या पुल का सिंबल है, रेनिफिकेशन गृह त्याग के लिए घोड़े का, निर्वाण के लिए एनलाइटनमेंट के लिए बोधि ट्री का, धर्म चक्र परिवर्तन जो कि पहला सरमान उन्होंने पहला उपदेश है उसके लिए वी, और महापरिनिर्वाण के लिए तैत उसके लिए स्टू। अब बात करते हैं होली बुक जो है, तो हमें बुद्धिज्म की होली बुक जो है उसे हम जानते हैं त्रि पिता के नाम से। पिताक्ष के नाम से जानते हैं, और ये पाली भाषा में लिखी हुई। ये जो किताब है पेन का कलर चेंज करते हैं,
तीन उसमें हैं बटी हुई। पहली आती है सुता पिता का, इसमें क्या है ओरिजिनल टीचिंग जो है हमारी गौतम बुद्ध के द्वारा वो मिलती है। दूसरी आती है विनय पिता, इसमें मिलती है कोड कंडक्ट फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उन्हें कौन से कोड और कंडक्ट फॉलो करने हैं वो हमें विनय पिता का मिलती है। और लास्ट आती है अभिधम पिता का, अभिधम पिता का। और ये क्या है, ये फिलॉसफी है बौद्ध धर्म की। तो हमती जो किताब है पाली लैंग्वेज में लिखे थे पिता का, और इस पिता का जो तीन हिस्से हैं सुता पिता का जो कि हमें बताता है कि गौतम बुद्ध की क्या टीचिंग थी, विनय पिता का जो हमें कोड ऑफ कंडक्ट बताता है जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनके लिए, और अभिधम्म पिता का जो है वो बताती है फिलॉसफी ऑफ बौद्ध धर्म। बात करते हैं इसमें तीन रत्न हैं, त्रिरत्न, त्रिरत्न और बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के तीन रत्न हैं, थ्री जेम्स कह सकते हैं, थ्री जेम्स ऑफ बुद्धिज्म। फर्स्ट है बुद्ध, सेकंड है धम्म, थर्ड संख्य। तो ये तीन जो हैं बुद्धिज्म के जो हैं तीन रत्न हैं। अगर आपको जैनिज्म वाली वीडियो याद हो तो आपको बताया था मैंने कि जैनिज्म में भी तीन रत्न थे, उनके थे पहले सम्यक ज्ञान, दूसरा था सम्यक दृष्टि, तीसरा था सम्यक आचरण। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध की जीवन की जो कहानियां हैं, स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध के स्टोरी ऑफ प्रीवियस लाइफ, स्टोरी ऑफ बुद्धा प्रीवियस लाइफ, इसे कहा गया है जातक। तो ये कुछ चीज़ें थी बौद्ध के बारे में। इसके अलावा हमने पढ़ा था स्तूपा, स्तूपा क्या, तो एक राउंड स्ट्रक्चर है हमने सामने गौतम सांची स्तूप का देखा है, वही स्तूप है ये, लार्ज राउंड स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं जिन भी बौद्धिस्ट मॉन्क को महापरिनिर्वाण होता है वहाँ उन्हें रखा जाता है, तो उसे बोला जाता है स्तूप। ऐसे ही चैत्य, चैत्य वर्ड यूज होता है बौद्धिज्म में प्रेयर हॉल के लिए, जहाँ भी प्रेयर हॉल है उसे बोला जाता है चैत्य। विहारा वर्ड इस्तेमाल होता है मॉनिस्ट्रीज के लिए बुद्धिज्म, उन्हें बोला जाता है विहारा। और मैत्रीय, मैत्रीय वर्ड जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है अपकमिंग बुद्धा के लिए, बौद्ध धर्म के हिसाब से आने वाले जो बुद्ध हैं उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है मैत्रीय। अब बात करते हैं
बात करते हैं टीचिंग्स की, वो काउंसिल्स की। जो बौद्ध धर्म है इसके शुरुआत होने से लेके और उसके बाद तक बहुत सारी काउंसिल्स हुई। तो सबसे पहली काउंसिल होती है 483 BC में, कहाँ होती है, राजगीर में। कौन से रूलर था उस समय, अजात शत्रु जो कि हरियंका डायनेस्टी का था। वो इस उसमें जो चेयरमैन थे वो थे महा कश्यप। और यहाँ इस काउंसिल से जो रिजल्ट निकला वो था दो पिता का बनी सुता पिता का और इन्हें पिता का। सुता पिता का आपको पता ही है, जो ओरिजिनल टीचिंग है और गौतम बुद्ध की वो सुता पिता के हैं, और जो कोड कंडक्ट है बौद्धिस्ट मॉन्क के लिए वो विनय पिता का है। तो पहली जो हमारी काउंसिल हुई वो 483 BC में राजगीर में हुई, और उसके उस समय जो रूलर थे वो हरियंग डायनेस्टी के अजात शत्रु थे। जो बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए चेयरमैन थे वो महाकश्यप थे। और हाँ, हमें जो इसका रिजल्ट मिला वहाँ मिला सुत पिता का और विनय पिता का। तो इसके बाद बात करें तो 383 BC पूरे 100 साल बाद ये अगली काउंसिल हुई जो कि वैशाली में हुई। और इस समय जो रूलर थे वो काल अशोक थे। काल अशोक डायनेस्टी आ चुकी थी शिशुनाग। और इसमें चेयरमैनशिप जो करी थी वो थी सबक कान। अब आप ये लगाइए 483 में जो है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है गौतम बुद्ध के महानिर्वाण मिलने के बाद, उसके बाद 100 साल बाद 383 में दूसरी होती है जो कि वैशाली में थी, जैसे कालाशोक रूलर था उस समय और उसके चेयरमैन थे सभा खान। और यहाँ जो आउटकम मिला वो था मॉन्क्स जो थे वो स्प्लिट हो गए और ये चेंज होके हो गए सत्ता वीर वादिन और दूसरे बने महा संघ। दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए, ये लिखा है थवीरा। तो दूसरी जो काउंसिल हुई थी वो 383 BC में हुई वैशाली में, जहाँ कालाशोक ने उसे चेयरमैनशिप किया। सभाकामी जो थे वो माफ कीजिए रूलर कालाशोक थे और चेयरमैन सभाकामी थे। और यहाँ जो है दो हिस्सों में बढ़ गई, स्प्लिट हो गया मॉन्क्स का, एक बने सतवीरवाद मीन्स और दूसरे हो गए महासंघी खास। तीसरी काउंसिल जो होती है वो होती है 250 फिर लगभग 125 साल लगभग 125 से भी ज़्यादा साल के बाद ये होती है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में तब अशोक मौर्य वंश के राजा अशोक थे
इस चेयरमैनशिप की से मोगाली पुत्ता तिस्सा ने। और यहाँ अभी तक जो है अभी तक पिता वो बनती है। तो हमारे जो तीन पिता का हैं जिसमें से शुद्ध पिता का विनय पिता का जो है पहली काउंसिल में मिली और तीसरे काउंसिल में हमें अभी तक पिता का मिलता है। 250 BC में यह हुई थी पाटलिपुत्र में। अशोक उस समय रूलर थे, चेयरमैनशिप करी थी मगाली पुत्रा ने और आउटकम था अभी तक पिता का। इसके बाद 72 AD में आखिरी काउंसिल हुई जो कि कुंदल वन। कुंदल वन में हुई और कुंदल वन का है ये कश्मीर। और इस समय राजा कौन थे, वो थे राजा कनिष्क। राजा कनिष्क थे, कनिष्क के समय पे जो थे वासुमित्र ने चेयरमैनशिप करी इसकी। और यहाँ भी आउटकम निकला कि बुद्धिज्म दो हिस्सों में बट गया, वो है हीनायन और महायान। तो हीनायन और महायान में दो में बट गया। इस प्रकार से चार जो है बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं और इन चारों को याद करने की एक ट्रिक है। तो सबसे पहले बता देता हूँ 413 AC, 313 AC, 250 और 72 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, याद करना आसान। अब ये हुई कहाँ कहाँ, पहली हुई राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडल। तो इसके लिए है राग पाकू, राग पाकू, राजगीर राग, वासे वैशाली, वासे पाटलिपुत्र, उसे कुंडल। तो ये चारों जो काउंसिल हैं इसकी जगह है राव पाकू, राजगढ़, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल। उस समय रेगुलर कौन थे, अजात शत्रु, काला शोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। तो इसे याद रखने की ट्रिक है आया काल अशोक का। तो आया से आजाद शत्रु, काल से काला शोक, अशोक से अशोक और का से कनिष्क। तो रावा पाकू, राव पाकू से राजगीर, वैशाली, पाटलिपुर, कुंडल। और आया काल अशोक से आजाद शत्रु, काल अशोक, अशोक और कनिष्क। इसके बाद जो चेयरमैन थे, चेयरमैन थे महाकश्यप, शबाकानी, मोगलीपुत्तिस्सा, और वासुमित्र। इसे भी आप याद कर सकते हैं मस मो वसु, मस मो वसु। माँ से महाकश्यप, से सबकामी, मो से मोगलीपुत्रा और वसु से वासुमित्र। तो इस प्रकार से चार हमारी जो है काउंसिल होती हैं, चार काउंसिल होती हैं 483 में राजगीर में, जहाँ जा शत्रु रूलर हैं, महाकश्यप चेयरमैन है और यहाँ शुद्ध पिता का विनय पिता का आउटकम बनता है। 383 में हमारे वैशाली में होती है, जहाँ कालाशोक रूलर है
और समकामी चेयरमैन है। और यहाँ मॉन्क जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। 250 BC में पाटलिपुत्र में होती है, जिसे अशोक रूलर होता है उस समय, और वहाँ पाटलिपुत्र जो हैं वो चेयरमैन होते हैं। और यहाँ हमें अभिधम पिता का मिलता है। और 72 AD में कुंडलवन में, जहाँ कनिष्क रूलर थे और वासुमित्रा जो हैं वो चेयरमैन थे। और यहाँ जो है हमारा बुद्ध धर्म जो है वो दो हिस्सों में बढ़ता है, हीनयान और महायान। तो इस प्रकार से बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा, ये बुद्ध की सारी टीचिंग है। आपको एक और फिर हल्का सा ओवरव्यू देते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे 583 BC में जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। इसके अलावा तथागत और शाक्य मुनि भी नाम से वो जाने जाते हैं। फादर उनके थे वो सुदोधन थे, जो थे शाकु रूलर थे। मदर उनकी महामाया थी और स्टेप मदर गौतमी प्रजापति थी। वाइफ का नाम यशोधरा था, बेटे का नाम राहुल था और ब्रदर का नाम देवधर था। 24 साल की उन्होंने पहला गृह त्याग किया 24 साल की उन्होंने गृह त्याग किया। और उनके पहले जो शिष्य थे उनका नाम था अलर कलाम, जिन्होंने उन्हें योग सिखाया। 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ एक पीपल पेड़ के नीचे बौद्ध गया में, जो कि फल्गुनी नदी मतलब निरंजन नदी के किनारे है। और उस पीपल पेड़ को बौद्ध ट्री कहा गया। 483 में उनकी डेथ हुई कुशीनगर 80 साल की उम्र में। इसके अलावा उन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। उनका जो मेन है वो है मोक्ष, मेन गोल जो है बौद्धिज्म का वो मोक्ष है। इसके अलावा उन्होंने ये गौतम बुद्ध ने कहा कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सोरो, हमारी जो इच्छाएं हैं वही हमारे दुख का कारण है। उन्होंने 8 मार्ग दिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। इसके अलावा उनके 5 सिंबल हैं हर एक चीज़ से उनके जुड़े हुए, जैसे जन्म के लिए लोटस और गृह त्याग के लिए घोड़ा, निर्वाण के लिए बौद्धि ट्री, पहला जो उन्होंने अपना उपदेश दिया उसके लिए वीर, और अंत में महापरिनिर्वाण जब हुआ उन्हें तो उसके लिए स्तूप। होली बुक जो है उनकी हुआ त्रिपिटका, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी हुई है। होली बुक 3 हिस्सों में बटी हुई है, सुता पिटका, विनय पिटका, अभिधम पिटका। सुता पिटका में हमें ओरिजिनल टीचिंग जो बुद्धा की है वो मिलती है। विनय पिटका में कोड कंडक्ट जो है बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए वो मिलता है। और अभिधम पिटका में फिलॉसफी मिलती है बौद्ध धर्म की। इसके अलावा 3 रत्न है बुद्धिज्म में, बुद्ध, धम्म और संघ। स्टोरी अगर हम बात करें, मतलब हम ये बात करें कि उनके प्रीवियस लाइफ की जो स्टोरी बताती है उसे हम जातक कहते हैं। इसके अलावा स्तूपा जो होता है, जो राउंड लार्ज स्ट्रक्चर होता है जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क को रखा जाता है उनके महानिर्वाण के बाद, उसे स्तूपा वर्ड बोला गया। चैत्य प्रेयर हॉल के लिए, और विहार जो है मोनेस्ट्रीज बुद्धिज्म की उसके लिए बोला गया। मैत्रीय वर्ड इस्तेमाल होता है आने वाले बुद्ध के लिए। 483 BC में पहली काउंसिल मिलती है राजगीर में, राजशत्रुघ्न रूलर था, महाकश्यप उसमें चेयरमैन थे। 383 में वैशाली, कालाशोक और सभाकामी। 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक थे उसमें रूलर, और माघलीपुर तिस्सा जो थे वहाँ चेयरमैन थे। और 72 AD में कुंदलवन में कनिष्क टाइम पे वासुमित्रा के चेयरमैनशिप में चौथी काउंसिल होती है। इसके लिए ये ट्रिक है रवापाक रूलर्स के नाम याद रखने के लिए, आया काल अशोक का और मस्मो वसु जो है वो चेयरमैन्स के लिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।